सिंगरौली जिला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 7 लोगों के हत्यारोपी को फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें दूसरी बार फांसी की सजा मिली है। जानकारी के अनुसार 1997 में आरोपी रामजत बिंद ने 5 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई थी और जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने फिर 2 हत्याएं कर दी, जिस पर आज दिनांक को जिला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने दूसरी बार फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने कुल 7 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सुरेंद्र मिश्रा के न्यायालय द्वारा आरोपी रामजत बिंद को उड़कबंद बिंद और शांति बिंद की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामजत बिंद को उड़कबंद बिंद की हत्या के आरोप में धारा 302 में मृत्यु दंड व 2000 रुपये की जुर्माने से व धारा 201 में 5 वर्ष कारावास से व 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। वह शांति देवी बिंद के हत्या के आरोप में 302 में मृत्यु दंड से व 2000 रुपये जुर्माने व धारा 201 में 5 वर्ष की सजा व 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। थाना मोरवा के अपराध क्रमांक 114 घटना दिनांक 25/4/2014 से 30/4/2014 के शाम के बीच की है। आरोपी द्वारा मृतक उड़कबंद बिंद व शांति बिंद को हत्या कर उनकी लाश को कुएं में छिपाया गया था, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। आरोपी इसके पूर्व में भी सन 1997 में 5 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड से दंडित किया जा चुका था। अभियोजन के विशेष प्रयास के स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को मृत्यु दंड से दंडित किया गया।